हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन से जुड़ी बातों के बारे में। ये सही है या गलत, इसमें क्या करें और क्या ना करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे वाले निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। दोस्तों, सेक्स और उससे जुड़ी बातें करना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 80% पुरुष अपने लिंग के आकार को लेकर चिंतित रहते हैं और वे अपने इस चिंता का सबसे बड़ा कारण हस्तमैथुन को मानते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। सामान्यतः हस्तमैथुन का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता, लेकिन कुछ लोग हस्तमैथुन करने के बाद बहुत बुरा महसूस कर सकते हैं। इसके कई अलग अलग कारण होते हैं। कुछ लोग अपनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों के कारण हस्तमैथुन करने के बाद खुद में दोषी होने जैसी भावना महसूस करने लगते हैं। ऐसा भाव पुरुषों और महिलाओं दोनों में आता है। वहीं कुछ इसे करने के बाद शारीरिक कमजोरी होने की संभावना को मन में बिठा लेते हैं। कुछ लोगों को तो आप ये भी बोलते सुन सकते हैं कि हस्तमैथुन गंदा और शर्मनाक काम है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि हस्तमैथुन न तो गलत है और न ही अनैतिक, ये एक प्राकृतिक क्रिया है। यदि विशेषज्ञों की माने तो हस्तमैथुन खुद की संतुष्टि और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक स्वस्थ, प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है। हस्तमैथुन करने से आपके दिमाग और शरीर को कई लाभ हो सकते हैं। इसकी लत लगने की संभावना के बावजूद इसके कोई हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं है। हस्तमैथुन करने से आपका लिंग न तो सिकुड़ता है और न ही छोटा होता है, इसीलिए बिना अपराध बोध या शर्म के यौन सुख लेने के लिए इस क्रिया के बारे में अच्छा महसूस करें और आनंद लें। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी चीज का अति नुकसानदायक होता है, इसीलिए अत्यधिक हस्तमैथुन करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। आप अधिक से अधिक सप्ताह में 1 से 2 बार तक हस्तमैथुन करें तो आप में किसी तरह का स्वास्थ्य नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन प्रतिदिन हस्तमैथुन करना आपकी सेहत को खराब कर सकता है, अतः इस बात का ध्यान रखें।